सामिन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नहायत ही सस्ता और मजरब नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आँखों के इर्द गिर्द जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और उसमें स्याह हल्के पड़ जाते हैं, इस नुस्खे के इस्तेमाल से बहुत ही मामूली, बहुत ही सस्ता तरीन, इंतहाई सस्ता, बल्कि आपको पैसे भी नहीं इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपको ये अपने किचन से ये एक चीज़ आपको मिल जाएगी। आपने इस नुस्खे से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इसको मुसलसल 10 दिन तक इस्तेमाल किया, इंशाल्लाह आपके आँखों के इर्द गिर्द जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और कबल अज़ वक्त, बल्कि आज तक जो नौजवानों के भी ये हल्के पड़े होते हैं, तो ये आपकी छाइयाँ इर्द गिर्द जो है ये इसका खात्मा होगा। और इंशाल्लाह ये नुस्खा जो है बहुत ही मजरब के तरीन नुस्खा है। और इसको आपने 10 से 15 दिन ज़रूर आप इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट्स बुक में बताएं कि आपकी इस दवाई से आपको कितने परसेंटेज फ़ायदा हुआ है। तो मैं नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपने ये चैनल, बहुत सारे दोस्त अहबाब ने आप चैनल देखते हैं, वो जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं या कुछ थोड़ा सा देखते हैं, तो ये मेहरबानी किया करें कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, आपका कोई इस पर पैसा नहीं लगता। तो आए फिर चलते हैं हम उस नुस्खे की तरफ। आपके घर में जनाब नमक सफ़ेद पड़ा होता है, एक चम्मच आप नमक लें और आधा गिलास गर्म पानी खौला के आपने उसमें खौलता हो और उसमें नमक डाल दें। उसके बाद आपने कपड़े की एक गद्दी बनानी है, दो दोनों आँखों में इर्द गिर्द आपने रखना है, उसको इसमें डिप करें और निकाल कर उसको फिर निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद फिर अपने आँखों के ऊपर, दोनों साइडों के ऊपर आप रख लें। उसके बाद फिर जब उसकी गर्मी ख़त्म हो जाए, वो जो आपने गद्दी रखी थी उसमें आँखों के ऊपर, उसके बाद फिर आपने फिर दोबारा जब ठंडी हो जाए तो फिर आपने दोबारा डिप करना है, फिर गर्म उसी पानी में डालना है, फिर उसको अपने आँखों के ऊपर रखना है। आँखें वैसे बंद कर लेना है आपने, उस आँखों के ऊपर रख देना है, फिर जब वो ठंडी हो जाए तो बस ये आपका, बस यही दो अमल है। ये आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ठंडी क्रीम जो है वो घर में पड़ी होगी, उस क्रीम से फिर आपने आँखों के इर्द गिर्द आपने हल्का हल्का मसाज करना, बल्कि वो नाक की तरफ भी आप ले आके मसाज करें। तो बस ये 2-4 मिनट आपने मसाज करना है। उसके बाद आप ने जब वो ड्राई हो जाए, जब खुश्क हो जाए, तो फिर नीम गर्म पानी से अपना मुंह को आप धो लें। तो सामिन कराम, ये नुस्खा मामूली ना समझें, ये बहुत ही कीमती नुस्खा है। ये जिन दोस्तों को मैंने बताया ये इस नुस्खे को, उनके जनाब जो झुर्रियाँ हैं उसमें कमी वाकया हुई है, और जो हल्के हैं वो तो ख़त्म ही हो गए। लेकिन जो इसके लिए फिर ये है कि झुर्रियों को ख़त्म करने कम से कम 20 दिन तक आप इस्तेमाल करें, 15 से 20 दिन लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह झुर्रियाँ आपकी जनाब गायब हो जाएंगी। फिर वो ये है कि आपको नज़र भी नहीं आएंगी कि झुर्रियाँ भी आँखों के इर्द गिर्द में मौजूद हैं। तो सामिन कराम, ये थी छोटा सा नुस्खा था जो आपके सामने मैंने पेश किया है, और ये बड़ा ही खूबसूरत नुस्खा है, और ये आँखों में जो झुर्रियाँ हैं और हल्के हैं, इसका इंशाल्लाह खात्मा होगा। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।